पीएम और पीटीआई के चीफ इमरान खान का बयान सामने आया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में उनकी पार्टी को बैन करने की साजिश हो रही है, वो बातचीत के लिए तैयार है लेकिन सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रही। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी को बैन करने की साजिश लगातार की जा रही है। ये बड़ा बयान शहबाज सरकार पर साजिश रचने का आरोप इमरान खान की तरफ से लगाया गया और आरोप में ये कहा गया कि पीटीआई पर बैन लगाने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। कोई डायलॉग नहीं चल रहा, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि ये साजिश कामयाब हो यानी तरीके साहब को बैन किया जाए, वो सारे ये चाहते हैं कि कोई डायलॉग ना हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिकल आदमी हूं, डायलॉग के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई डायलॉग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो डायलॉग करना नहीं चाहते, वो तो पार्टी को कलदम करार देना चाहते हैं। ऑर्डर पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है, सेना और सरकार के खिलाफ इमरान खान के तेवर हर दिन सख्त होते जा रहे हैं और इन सब के बीच में लाहौर के जमा पार्क में इमरान के घर में आतंकी होने के आरोप के बाद पंजाब पुलिस घर की तलाशी के लिए पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। लेकिन इमरान खान दावा कर रहे हैं कि उनके घर में पुलिस को सिवाय बिस्किट और पानी के कुछ नहीं मिला। इतना ही नहीं, इमरान के सुरक्षा अधिकारियों ने भी पुलिस के घर से खाली हाथ लौटने का दावा कर दिया है। इसके पहले पुलिस 14 संदिग्धों को गिरफ्तार करने का दावा कर चुकी है, लेकिन इमरान खान के और पुलिस की बातों में काफी अंतर है। पाकिस्तान हिंसा के बाद पंजाब प्रांत की सरकार ने इमरान खान के घर को छावनी में बदल दिया। दावा किया गया है कि जमा पार्क स्थित जिस घर में इमरान खान रहते हैं, उस घर में करीब 30 से 40 आतंकवादियों का डेरा है और इमरान खान उनके हिमायती हैं। लेकिन जब इमरान खान ने पंजाब पुलिस के लिए अपने घर के दरवाजे खोले, भारी पुलिस बल इमरान खान के घर में दाखिल हो गया। घंटों तक सर्चिंग अभियान चला तो सिवाय खाने के सामान के उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसका दावा वो पिछले 65 घंटों से कर रहे थे। इमरान खान के मुख्य सुरक्षा अधिकारी इफ्तिखार गुमान ने दावा किया है, इमरान खान के जमा पार्क स्थित घर पर कथित रूप से छिपे हुए आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान चला। कई घंटे की जांच के बाद पंजाब पुलिस की टीम खाली हाथ लौट चुकी है। पुलिस को इमरान के घर से बिस्किट और पानी के अलावा कुछ नहीं मिला है। दरअसल कुछ घंटे पहले पंजाब प्रांत की पुलिस इमरान खान के घर तलाशी का वारंट लेकर पहुंची थी, जिसके बाद इमरान खान को न चाहते हुए भी घर की तलाशी करवानी पड़ी। वहीं लाहौर कैपिटल सिटी पुलिस के अधिकारी ने दावा किया है कि इमरान खान के जमा पार्क वाले घर से भागने की कोशिश कर रहे 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें इमरान आतंकी नहीं वांटेड बता रहे हैं कि वे आतंकवादियों की तलाश नहीं कर रहे थे बल्कि केवल उन लोगों की तलाश हो रही थी जो लाहौर में उनके जमा पार्क आवास पर वांटेड थे। अब वो दावा कर रहे हैं कि वो वांटेड लोगों को ढूंढ रहे हैं न कि आतंकवादियों को। अगर वो वांटेड लोगों की तलाश करना चाहते हैं तो उनके पास पहले से ही कई हैं। उन्होंने तो हमारे कार्यकर्ताओं में से करीब 7,500 लोगों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, इमरान खान ने एक बार फिर पाकिस्तान की आवाम से अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने की अपील भी कर दी। इस मुल्क की सहाफी इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे तो अगली आपकी किसी की बारी आ जाएगी, क्योंकि आज कोई है कल किसी और की बारी आ जाएगी। और मैं उन सहाफियों को खास तौर पर आज मुखातिब उनसे होना चाहता हूं कि बड़ी बातें करते थे जी, यहां लिबरल इमरान खान बड़ी सख्ती कर रहा है, हाँ जी पता नहीं हम आजादी राय या सहाफत की जुबान बंद कर रहे हैं, जरा मुआजना तो करें कि हमारे दौर और इस दौर में क्या फर्क था, कभी हुआ किसी से ऐसे? इमरान एंड पार्टी के खिलाफ पाकिस्तान सरकार का रुख अब भी सख्त है। पाकिस्तान सरकार हिंसा के आरोपियों पर बड़े एक्शन की तैयारी में है और हिंसा के दिन को पाकिस्तान के इतिहास का काला दिन बता रही है। तो पूरे जो वाकयात हुए हैं हर शहर में उसकी भरपूर और गैर मुतज़ल्ज़ल मजम्मत की गई है और आपको बताया गया है कि इसमें करारदाद में जिना हाउस को नजर आतिश करना, फिर शहदा के मुकाम पर वहाँ पे उधर उन्होंने तोड़ फोड़ करना, ये सारी बातें कंडेम की गई हैं।
पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ इमरान खान हर दिन मुखर हो रहे हैं। इमरान खान का दावा है कि हकीकी आज़ादी के लिए वो जिंदगी भर लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान के खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए काम करते रहेंगे। लाहौर के जमा पार्क के बाहर देर रात पंजाब पुलिस का अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। पुलिस ने पार्क से पीटीआई कैंप को हटाकर रास्ता साफ करवाया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पंजाब सरकार की तरफ से। दरअसल इस रास्ते को खाली कराया गया, साफ कराया गया। यहां पर कई दिनों से ये समर्थक जो है वो डेरा डाले बैठे हुए थे और अब पंजाब सरकार की तरफ से इस इलाके को खाली कराया गया। तो इमरान समर्थकों के जो कैंप लगाए गए थे उन्हें हटाया गया। अवैध अतिक्रमण ये था और उसे हटा करके इस पूरे रास्ते को खाली कराया गया। पंजाब सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की गई। और पाकिस्तान में इमरान खान और शाहबाज सरकार के बीच तनातनी चरम पर है और इन सब के बीच हिंसा को लेकर सेना भी इमरान खान के खिलाफ अब हो चुकी है। अब आप समझिए हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब सेना इमरान समर्थक